ये इनकी दाल है, उठा के दिखाना भैया। हाँ हाँ, ये गर्मा गर्म दाल मखनी है, इसे कहते हैं दाल। जी अपनी अमृतसर फूड वॉक स्टार्ट हो गई अब, और अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, कहाँ पे, केसर का ढाबा। तो चलिए जी, आ गए हम अपने आज की जगह पे, केसर का ढाबा। आपने नाम बहुत ही सुना होगा, जब भी आप अमृतसर आते हैं तो यहाँ पर जरूर आइए, मजा आ जाएगा। यहाँ का खाना खा के आप देखिए तो पता चलेगा आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है अंदर खाना और क्या ऑर्डर करने वाले हैं। आ गए हम किचन के अंदर, आप देखिए क्या है। ये क्या है भैया? बैंगन का भरता। बैंगन का भरता है, शाही पनीर। ये शाही पनीर है, ये छोले है, और ये मलाई कोफ्ता। ये देखिए मलाई कोफ्ता है, क्या बात है। और ये है जो मेरा फेवरेट, जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, पालक पनीर। पालक पनीर का, पालक पनीर जबरदस्त है। ये राजमा। ये है राजमा। और ये कढ़ाई पनीर। और ये है कढ़ाई पनीर। और ये सीजनल है, सरसों का साग। सरसों का साग आ गया है अमृतसर में, केसर के ढाबे पे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं थाली, सिस्टम क्या है इनका, और टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा है। ये लच्छे पराठे का पेड़ा बन चुका है, और ये रहा देसी घी इनका। जब ये देसी घी लगाते हैं ना, वो बस देखने वाली चीज है, आप देख सकते हो पूरा गीला हो रहा है कैसे। ये भैया निकाल रहे हैं लच्छा पराठा। ये सादी रोटी है, आलू वाला पराठा है, ये आलू वाला पराठा है, और ये है इनका लच्छा पराठा। अच्छा, इधर तीन तंदूर किसकी ये लगाए? अच्छा, एक में सिर्फ रोटी लगती है, वो देखिए एक में सिर्फ रोटी लगती है, इसमें रोटियां लग रही है सिर्फ। कितना पुराना बना हुआ है, आप देख सकते हो मिट्टी का तंदूर बना हुआ है इनका। और ये रही इनकी दाल मखनी, ये देखिए भाई, दिस इज कॉल्ड दाल मखनी, जिसे कहते हैं हम, जो ढूंढते हैं हम दिल्ली में, पर मिलती नहीं है। ऐसा टेस्ट आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा कभी भी। ये थाली सिस्टम जब यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो ये उसके लिए सब लगाया हुआ सैलेड है, और यहाँ पर ताजा ताजा तड़का लगता है, और सारी थालियां जो है वो सेट होती है। ये सारी थालियां सेट होती है और यहाँ पर तड़का लगाया जाता है। ये लच्छा पराठा बन रहा है, ये लच्छा पराठा बन रहा ना। क्या बात है, ये मेरे साथ कौन है? मजेदार है। ये बन गया लच्छा पराठा, घी से भरा हुआ। इतना घी, वाह, अच्छे पराठे में घी लग रहा है। ये है बन गया इनका चूर चूर लच्छा पराठा। आप ये देख सकते हो घी, देखना कि कैसे टपकेगा इसमें। देखिए इतना सारा घी लग रहा है कि टपक रहा है। अब इसे खा के कोई भी मोटा हो सकता है, लेकिन स्वाद है इस चीज में। ये इनकी दाल है, उठा के दिखाना भैया। हाँ हाँ, ये गर्मा गर्म दाल मखनी है, इसे कहते हैं दाल। जो कहते हैं दाल मखनी, हम लोग केसर के ढाबे पे। ये दाल कितनी देर पकती है? 12 घंटे पकती है, और प्योर घी से बनती है। सारे वेज है, वो तो ग्रुप पे शेयर करना मैंने ही जाया। ऑसम, फोटो में आ रही है। हाँ। क्या बात है, इसे कहते हैं लच्छा पराठा।
इसको कर दूं? हाँ जी मजेदार। ये हमने अलग से मंगवाया है, हाफ क्वार्टर कढ़ाई पनीर है, ये है पालक पनीर, पालक पनीर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये है इनका सलाद और ये रहा क्रिस्पी लच्छा पराठा, आपने भी देखा था कैसे क्रिस्प हुआ था, और ये है इनकी रेगुलर लच्छा पराठा थाली जिसके अंदर आप देख सकते हो ये दाल है, दाल आपको नजर नहीं आएगी जब तक कि हम इसको मिक्स नहीं करोगे, इसमें इतना देसी घी है। ये रहे इनके छोले, ये रहे इनके छोले और ये रहे इनका रायता। तो ये है इनकी बेसिक लच्छा पराठा थाली जिसके अंदर आपको दाल मिलेगा, छोले मिलेंगे, रायता और सैलेड, साथ में दो लच्छा पराठा। थाली हमारी आ चुकी है और हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है इसका टेस्ट। देखिए आप कितना बढ़िया है लच्छा पराठा, कितना क्रिस्पी है। पहले दाल के साथ लेते, दाल में देखो कितना घी है, ये चम्मच से हिलाना पड़ता इसको, खाना बहुत हैवी है देखने में, टेस्टी भी बहुत है। तो ये रही पहली बाइट जो अब सीधा जाएगी मेरे मुंह के अंदर, स्वाद है, मजा। पालक पनीर ट्राई करते हैं, ये रहा पालक पनीर, अभी जाएगा सीधा मेरे मुंह के अंदर, ये रहा। फूड इतना हैवी है, फूड इतना हैवी है, प्योर देसी घी से बना हुआ है, स्वाद है देसी घी का, जैसे अमृतसर पंजाब में होता कहते हैं कि देसी घी जो होता है वो बहुत स्वाद है, प्योर देसी घी है। इतने सालों पुरानी शॉप है ये, अगर आप कभी भी आप अमृतसर आते हो तो इधर केसर के ढाबे पे इसका स्वाद जरूर लेना आके, और मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, और दिल से पूछिए यूट्यूब चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।